सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। बताइए कि लोकतंत्र की वो काली रात 25 जून 1975 की वो काली रात जिसने लोकतंत्र को जो है एक अंधेरे कमरे में ढकेल दिया और लोकतंत्र को पुनः जो है खड़ा होने में और पुनः जो है अपने अस्तित्व में आने में जो है 21 महीने का समय लग गया। तो अर्थात 25 जून 1975 को रात को 12 बजे आपातकाल लग जाता है। सुबह होती है, रेडियो पर सिर्फ 4 शब्द बोले जाते हैं। इंदिरा गांधी जी आती हैं और केवल यही कहती हैं कि भाइयों और बहनों, देश में राष्ट्रपति जी ने आपातकाल घोषित कर दिया है। जो आपातकाल लगाया गया था उस समय, वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था। अभी मैं बताऊंगा कि आपातकाल जो लगता है वो कितने प्रकार से लगता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि 25 जून 1975 को रात को 12 बजे आपातकाल लग जाता है, 21 महीने तक आपातकाल लगा रहता है। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप शेयर करें। 25 जून 1975 को आपातकाल लगता है और 21 मार्च 1977 तक, 21 महीने तक जो है आपातकाल लगा रहता है। सोच लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने इतनी मेहनत करके लोकतंत्र को पैदा किया, लोकतंत्र को बनाया, लोकतंत्र को इतना मजबूत किया, उन्हीं की बेटी जो है लोकतंत्र को इस अंधेरे, लोकतंत्र का ये मतलब बहुत ही बुरा समय था, ऐसी स्थिति में ला देंगी, ऐसा कोई सोचा नहीं था। और वो भी सिर्फ किस लिए? सिर्फ कुर्सी की लालच के लिए, सत्ता की लालच। हुआ क्या? हुआ ये कि 1971 में जो लोकसभा चुनाव होता है, 1971 में जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें इंदिरा जी जो है रायबरेली सीट से जो है लड़ी थी और यहां पर जो है जीती भी थी, लेकिन जो विपक्ष में थे वो इस चुनाव में मशीनों का दुरुपयोग, लोगों को घूस दे करके वोट लेना, ये सब आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का सहारा लिया उन्होंने। और हाई कोर्ट का सहारा लिया तो हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया, इस चुनाव को रद्द कर दिया और इंदिरा गांधी पर 6 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती। तो अब स्थिति ये आ गई कि जितनी भी विरोधी पार्टियां थी वो सभी जो है इनके इस्तीफे की मांग करने लगी, लेकिन इंदिरा जी जो है इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। और यही कारण हुआ कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहती थी तो 25 जून को सुबह से ही वो इस कार्यक्रम में लग गई और रात को 12 बजे जो है राष्ट्रपति जी के पास फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके पास जो है लिखित मसौदा भेजा और उनसे जो है हस्ताक्षर करवा लिए। और सोचिए कि जो हमारी न्यायपालिका थी, न्यायपालिका के पास ये अधिकार था कि वो आपातकाल का रिव्यू करे, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगाया तो आपातकाल के समय में ही ऐसे संशोधन किए जो कि संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पहला संशोधन जो किया गया था आपातकाल के समय, पहला संशोधन किया गया संविधान संशोधन नंबर 38। इस संशोधन में सबसे पहला काम यह किया गया कि जो न्यायालय की शक्तियां थी, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को संकुचित कर दिया, उन अधिकारों को छोटा कर दिया। दूसरा काम जो हुआ वो अनुच्छेद संशोधन नंबर 39। इस संशोधन में यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच नहीं कर सकता है।
अर्थात इस दोनों संशोधन से इंदिरा गांधी ने स्वयं को मजबूत कर लिया। मतलब पहला संशोधन ये किया अनुच्छेद संशोधन नंबर 38, जिसमें ये कहा कि संविधान, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियां संकुचित कर दी गई और वो किसी भी मतलब कि आपातकाल का पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। दूसरा संशोधन किया संशोधन नंबर 39, जिसमें यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच नहीं कर सकता। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण। उसी के बाद संविधान में संशोधन हुआ संशोधन नंबर 42, और संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार थे उसको भी, मूल अधिकार को भी जो है समाप्त कर दिया। मतलब आपातकाल के समय में जो व्यक्ति का मूल अधिकार होता है उसमें कुछ अधिकार होते हैं जो खत्म नहीं किए जाते, लेकिन ये ऐसा आपातकाल था जो लोगों को इतनी बुरी संकट में डाल दिया कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मीसा के तहत लगभग 3000 से अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया। हुआ क्या कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, ये महत्वपूर्ण जो कि बताइए अनुच्छेद 21 हमारे जीने की आजादी है, अनुच्छेद 22 हमें अगर कोई 24 घंटे जेल में नहीं रख सकता है, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। इन दोनों महत्वपूर्ण मूल अधिकारों को नष्ट कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया आपातकाल में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सभी को, कोई भी, जितने भी बड़े नेता थे सबको बिना किसी कारण के जेल में बंद कर दिया गया, और वो भी अज्ञात स्थान पर बंद कर दिया गया कि उनको कहां बंद किया गया ये वो भी नहीं जानते। तो ये सारी घटनाएं घटी 25 जून 1975 की रात को 12 बजे। तो चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर ये आपातकाल क्यों लगा, कैसे लगा, इसका क्या असर पड़ा। तो देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपातकाल से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर इमरजेंसी के 45 साल बीत चुके हैं। इमरजेंसी के 45 साल यानी कि 1975 की वो रात थी जब देश पर थोपा गया था आपातकाल। ठीक, तो जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्यों लगाया गया आपातकाल, विस्तार में चर्चा करते हैं। तो इतिहास में 25 जून का दिन एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज़ादी ही के दिन 1975 में देश में एक आपातकाल लगाने की घोषणा की गई, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में रहे आपातकाल के बारे में, क्यों लगाया गया आपातकाल और क्या हुआ था उसका असर, आज हम इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। मतलब कि नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे, राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, पूरा देश सुलग उठा था जबरिया नसबंदी जैसे सरकारी कृत्यों के प्रति लोगों में भारी रोष था। हालांकि यह आपातकाल ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, करीब 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर से जीता, लेकिन इस जीत ने कांग्रेस पार्टी की चूले हिला दी। मतलब कांग्रेस पार्टी की जो जड़ थी पूरी तरह से जो है हिल चुकी थी। आपातकाल के बारे में
बहुत कम ही पता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला क्यों लिया था, क्यों लगाया गया था आपातकाल। अगर हम इसकी चर्चा करें तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका के टकराव शुरू हो गया था। मतलब जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कुछ कारणों से जो है न्यायपालिका से इनका विवाद शुरू हो गया था। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना। आपातकाल के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें सबसे अहम है 12 जून 1975 को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें क्या हुआ था देखिए। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राज नारायण को हराया था, लेकिन राज नारायण ने हार नहीं मानी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट चले गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया। मतलब कि हम क्या देखते हैं कि 1975 में जो लगाया गया आपातकाल, उसकी जो प्रमुख वजह थी, देखिए 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीत गई, इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से थी और विपक्ष के उम्मीदवार राज नारायण को पराजित कर दिया। लेकिन राज नारायण जब सरकार में गए तो इन पर आरोप क्या लगाया उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा। राज नारायण ने अदालत की शरण ली और हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया। और इंदिरा गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जब ये लोग गए, इंदिरा गांधी जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट से भी वही आदेश आया। तो अब तो ये था कि सभी पार्टियां चाहती थी कि इंदिरा गांधी अपना जो है इस्तीफा दें, लेकिन इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए जो है इन्होंने आपातकाल लगाने का विचार बनाया। गृह सचिव खुराना ने आपातकाल की घोषणा पत्र कैबिनेट को सुनाया। गृह राज्य मंत्री ओम मेहता ने आपातकाल का बैकग्राउंड समझाया और सारे मंत्री खामोश रहे। मतलब कोई भी, कांग्रेस का कोई भी मंत्री ऐसा नहीं था जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता। तो चलिए आगे देखते हैं कि 6 साल का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, इंदिरा गांधी पर मतदाताओं को घूस देने, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप लगे थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर विपक्ष ने इस्तीफे का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बिहार में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी ने उसी विरोध को शांत करने की कोशिश की। अब देखिए कि आपातकाल से आखिर क्या असर पड़ा। तो आपातकाल के दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था, तत्कालीन मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया था, सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवा के अज्ञात स्थान पर बंद कर दिया गया था। मतलब कि उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके नाते, मतलब कोई भी ये नहीं जानता था कि उन्हें बंद कहाँ किया गया। स्वर्ण सिंह ने बोलने की कोशिश की थी तो इंदिरा ने उन्हें भी चुप करा दिया था। और मीसा एक एक्ट है और मीसा एक्ट के तहत 36,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। 36,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, सोच लीजिए। और आपातकाल के दौरान संविधान का एक नया संशोधन हुआ जो कि 42वां संशोधन था, और पूरे मूल अधिकार को, मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया था। संविधान के मूल ढांचे को कमज़ोर करने को, उनकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की गई। जो अनुच्छेद, मतलब जो ये हमारा 44वां संशोधन हुआ, उसके तहत जो हमारे संविधान के तीन अंग हैं, सरकार के तीन अंग हैं, उन तीनों अंगों को जो है संतुलित ना कर पाना, अर्थात संतुलन बिगाड़ देने की
पूरी कोशिश की गई। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया, जो कि बताइए कि अनुच्छेद 21 जीने की आज़ादी है, उसको भी निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कानून की नज़र में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तार के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकार को रोक दिया गया। मतलब अनुच्छेद 22 में कहा गया था कि यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे अदालत को सौंपा जाए और उसे कारण बताया जाए कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो ये संशोधन हुआ, इस संशोधन के अंतर्गत सारे जो है नियमों को बदल दिया गया, पूरे मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आगे वहीं देखते हैं कि जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 भी निलंबित कर दिया गया। अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता जो हमारी है वो सारी अनुच्छेद 19 में आती हैं, इसको भी नष्ट कर दिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रकाशन करने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, ये सभी अनुच्छेद 19 का भाग है और इन सभी को नष्ट कर दिया गया। वहीं अगर हम आगे देखें तो देखिए सरकार ने मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कदम उठाया। यह ऐसा कानून था जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। जबरन नजबंदी और तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाने जैसी इमरजेंसी की ज्यादतियाँ हुई, मतलब मनमानी एक प्रकार से। तो देखिए, आपातकाल और पीएम मोदी की अगर चर्चा की जाए थोड़ी सी, तो आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी, कई पत्रकारों को मीसा और DIR के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी न पहुंचाई जाए। एक मिनट रुक जाइएगा। लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचाई जाए, उस कठिन समय में नरेंद्र मोदी और RSS के कुछ प्रचारकों ने सूचना प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उठा ली। इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। संविधान, कानून, कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्य के लिए जाने वाली ट्रेन में रखे गए। यह एक जोखिम भरा काम था क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का आदेश दिया गया था, कि मतलब अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसे गोली मार दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक कारगर रही। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती गई। इसे देख इंदिरा ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ और खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। सोच लीजिए, यही चीज़ है कि जनता किसी को ला सकती है और जनता किसी को हटा सकती है। जनता पार्टी भरी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री को संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। मतलब चूंकि आज़ादी से लेकर के 1975 ईस्वी तक 76 ईस्वी तक एक प्रकार से मान लीजिए, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक जो है कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद जो है एक नई सरकार बनी जो कि गैर कांग्रेसी सरकार थी। और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब हरियाणा दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। अब अगर एक प्रश्न बन सकता है कि आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया, तो शाह आयोग बनाया गया। नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधियों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों को की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया जो जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से
समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। लेकिन हुआ क्या, देखिए उनकी सरकार मात्र 5 महीने ही चल सकी। उनके नाम पर कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 2.5 साल बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से जीत गई। हालांकि जनता पार्टी ने अपने 2.5 वर्षों के कार्यकाल में संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए जिससे देश में फिर से कभी आपातकाल न लगे। 1975 में इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह जब आपातकाल की घोषणा की तब उन्होंने आंतरिक अशांति इसका कारण बताया था। तो चूंकि हमको पता है कि अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर संविधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द भी जोड़ दिया ताकि फिर कभी भविष्य में ऐसी सरकार इसका दुरुपयोग न कर सके। ठीक, तो देश के संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है और वो 3 तरह का क्या है। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा आर्थिक आपातकाल। तीनों ही आपातकाल राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं लगाए जा सकते। राष्ट्रपति भी ये मंजूरी संसद से आए लिखित प्रस्ताव पर ही दे सकते हैं। आपातकाल लागू होने के बाद संसद के प्रत्येक सदन में इसे रखा जाता है। अगर वहाँ इसका विरोध नहीं हुआ तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है। 1975 में लगा आपातकाल 21 महीने तक चला था, यानी कि लगभग 4 बार आपातकाल को बढ़ाए जाने की मंजूरी मिलती रही। सोच लीजिए कि 4 बार लगातार आपातकाल बढ़ाए रहने की मंजूरी देती रही संसद। अब सवाल ये है कि इमरजेंसी खत्म कैसे होता है। जिस तरह से आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं ठीक उसी तरह लिखित रूप से वो खत्म भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो आपातकाल को खत्म करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि न्यायपालिका यानी कि कोर्ट द्वारा आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती थी, लेकिन आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1975 को 38वां संशोधन करके न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट से छीन लिया और इसके 2 महीने बाद संविधान में 39वां संविधान संशोधन किया गया। इसके मुताबिक कोर्ट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच नहीं कर सकता। सोच लीजिए कि पूरी तरीके से बदल दिया गया, पूरा नियम बदल दिया गया। और ठीक, तो यही चीज़ थी पूरी इमरजेंसी हमने आपको बता दी। और इसी के साथ देखिए हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो आपको एक से एक चीज़ मिलेगी। अनुराग सर की जो है बाल विकास की क्लास भी जो है स्टार्ट हो गई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले